सुनील लहरी इन दिनों खूब चर्चा में हैं और एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया के सेंसेशन बन गए हैं सुनील। लेकिन जितना ज्यादा लोग सुनील और उनकी रामायण से जुड़ी कहानियां जानने के लिए उत्साहित नजर आते हैं, उतना ही सुनील भी अपने फैंस को निराश नहीं करते। वो भी अक्सर अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ वाद संवाद करते रहते हैं। लेकिन अब इस बीच सुनील ने खुद कर दिए हैं ऐसे सात बड़े खुलासे जिनके बारे में शायद ही आप जानते हों। जी हाँ, न्यूज चैनल आज तक से खास बातचीत में सुनील ने अपनी जिंदगी के उन सात राज से पर्दा उठाया है जो अब तक राज ही रहे, लेकिन अब राज नहीं है। तो अब कौन कौन से हैं वो सात राज सुनील के, आइए जानते हैं। पहला राज, माँ कौशल्या और पिता दशरथ के साथ करते थे प्रैंक। जी हाँ, इस इंटरव्यू में सुनील ने बताया कि राजा दशरथ की भूमिका निभाने वाले बाल धूरी और कौशल्या का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जयश्री गटकर को सेट पर वो प्रैंक करके डराते थे। सुनील कहते हैं, हमें सेट पर प्रैंक करना बहुत अच्छा लगता था। एक बार तो हमने कौशल्या का रोल करने वाली जयश्री जी को डरा दिया था। हमारे पास वहाँ मास्क हुआ करता था। वैसे भी सेट गांव में था तो जंगल और सन्नाटे का माहौल पहले से रहता था। ऐसे में हम पहले माहौल बनाते थे और ये सब करने में सागर साहब के बड़े बेटे भी हमारी मदद करते थे। एक बार तो डबिंग आर्टिस्ट को ऐसा डराया कि वो बेहोश हो गया। हम पहले बकरा पकड़ते थे, फिर कोई आया तो उसको पकड़ते थे। मेरे पास मास्क हुआ करता था, उसे यूज़ करते थे। दशरथ जी तो डर जाते थे। दूसरा राज, राम से ज़्यादा रावण के करीब थे लक्ष्मण। जी हाँ, शूटिंग के सेट पर राम से ज़्यादा रावण की सेना के करीब थे लक्ष्मण। इस बात का खुलासा सुनील ने इस इंटरव्यू के दौरान किया। सुनील कहते हैं, राम की सेना से तो ज़्यादा करीब में किसी के नहीं रहा। हालांकि सबसे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन रावण की सेना से बहुत लोग मेरे जानने वाले थे। वो लोग काफ़ी मुझे गाइड करते थे। मेघनाथ का रोल प्ले करने वाले विजय जी ने मुझे बहुत गाइड किया और अरविंद जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे सेट पर। तीसरा राज, कैसे नेशनल क्रश बन गए थे सुनील। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लोग सुनील की एक्टिंग, लुक्स, एनर्जी और स्माइल के दीवाने हो रखे हैं। लेकिन बात अगर 1987 के दौर की करें तो उस दौर में भी सुनील की महिला फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़बरदस्त थी। वो नेशनल क्रश बन गए थे। इस बारे में बात करते हुए सुनील ने कई बेहद दिलचस्प किस्से शेयर किए। सुनील ने एक माँ बेटी के झगड़े की बात बताई तो वहीं बहनों के झगड़े का किस्सा भी शेयर किया। सुनील कहते हैं, मेरे साथ एक इमोशनल इंसिडेंट हुआ एक ऐसे लेटर को लेकर जो 33 साल पहले साइन हुआ था, जिसे ट्विटर पर एक लड़की ने पोस्ट किया जो उसकी माँ ने मुझे भेजा। उस लेटर में लिखा था, मेरी माँ के पहले क्रश थे आप और अब मेरे भी। एक और मज़ेदार किस्सा तो कनाडा में हुआ, जहां ऑर्गेनाइजर की दो बेटियों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि मुझे वेलकम माला कौन पहनाएगा। टोरंटो में तो एक महिला फैन ने मेरी जैकेट तक रख ली थी। पटना में माँ बेटी के बीच मुझे लेकर झगड़ा हुआ था। ऐसे इंसिडेंट्स याद रह जाते हैं। चौथा राज, सेट पर रामचंद्र को देते थे बड़े भाई का सम्मान। जी हाँ, दरअसल राम अरुण गोविल के साथ शो के दौरान लक्ष्मण बने सुनील लोगों को काफ़ी पसंद आए, लेकिन दोनों के रिश्ते असल जिंदगी में कैसे हैं ये बात फैंस जानना चाहते हैं। तो जब इस इंटरव्यू के दौरान सुनील से ये सवाल पूछा गया कि क्या कभी रामायण के राम अरुण गोविल के साथ उनका झगड़ा हुआ, तो उन्होंने इस पर खुलकर अपनी बात कही। सुनील कहते हैं, अरुण जी काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, ऐसे में उनसे किसी विवाद की तो बात ही नहीं हो सकती। उनके साथ कई बार काम किया, कई शोज़ किए, हमेशा ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे हमारे बीच। पांचवा राज, बेटे की तरह मानती थी रावण की पत्नी। जी हाँ, भले ही रावण अरविंद जी के साथ शो में लक्ष्मण बने सुनील की लड़ाई दिखाई गई हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन रावण के साथ लक्ष्मण की खूब पटरी खाती थी। ऐसे में रावण ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी सुनील को अपने बेटे की तरह मानती थी और उनका सेट पर खूब ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि उनके लिए खाना लेकर भी आती थी। सुनील ने इसके बारे में बताया है, अरविंद जी की वाइफ मुझे बेटे की तरह मानती थी। वो सेट पर खाना लाती थी। उनके जीवन का फलसफा था, खाओ और मौज करो। छठा राज, तीर चलाने में छिल जाते थे हाथ। जी हाँ, सुनील ने यह भी नया नया खुलासा किया है कि शो में फाइटिंग सीक्वेंस के दौरान उनके हाथ छिल जाते थे तीर चलाने के दौरान। सुनील कहते हैं, धनुष और तीर हम इस्तेमाल करते थे, वो काफ़ी पहने और भारी होते थे। चलाने का डायरेक्शन तो हमारे सामने लगे ग्रीन पर्दे पर होता था। ऐसे में सामने वाला तो नहीं, लेकिन हमारे हाथ ज़रूर छिल जाते थे।
सातवां राज, लक्ष्मण बनने के लिए मिलती थी इतनी फीस। रामायण में लक्ष्मण का रोल करने के लिए स्टारडम तो सुनील को खूब मिला, लेकिन फीस कितनी मिलती थी ये उन्होंने अब जाकर बताया। इंटरव्यू में सुनील कहते हैं कि लक्ष्मण के रोल के लिए उन्हें बहुत कम फीस मिलती थी। सुनील ने कहा, बस इतना कहूँगा कि पीनट्स मिलते थे, तब इतना खर्चा भी नहीं हुआ करता था आज के ज़माने की तरह। हालांकि आज कोई एक्टर एक शो करने पर घर बना सकता है, लेकिन तब हम पूरी रामायण करके भी घर बनाने की सोच भी नहीं सकते थे।